बागपत पुलिस का ऑपरेशन सफाई जारी है। आज देर रात्रि में बागपत के दोघट थाना क्षेत्र में टिकरी रोड पर दोघट पुलिस ने दो बदमाशों को मुठभेड़ के दौरान धर दबोचा है। आपको बता दें कि देर रात में दोघट पुलिस नियमित चेकिंग कर रही थी, तभी सामने से आ रही दो बाइक सवारों को पुलिस ने रुकने का इशारा किया तो बदमाशों ने बाइक दौड़ा दी। पुलिस टीम पर साथ ही फायर भी झोंका। पीछा कर रही पुलिस ने भी बदमाशों पर जवाबी फायरिंग की, जिसमें दोनों बदमाशों के पांव में गोली लग गई। पुलिस ने अनशन में दोनों बदमाशों को जिला अस्पताल में पहुंचाया, जहां से उनको मेरठ के लिए रेफर कर दिया गया। अपर पुलिस अधीक्षक रणविजय सिंह का कहना है कि दोनों बदमाश किसी बड़ी वारदात को अंजाम देने की फिराक में थे। पुलिस दोनों बदमाशों के आपराधिक इतिहास की जानकारी जुटाने में लगी हुई है। बदमाशों के कब्जे से एक बाइक और एक देसी तमंचा और जिंदा कारतूस बरामद किए गए। अच्छा, क्या कर रहे थे? जी हम लूट कर रहे थे। अच्छा, तमंचे ले रहे थे? हाँ। कितने थे? दो तमंचे ले रहे थे। हाँ। अच्छा, और कौन था तुम्हारे साथ? और कोई नहीं, एक लड़का और था। दो जने थे? हाँ। लूट कर ली थी तुमने या अभी लूट करने वाले थे? नहीं, लूट कर ही नहीं थी, वैसे खड़े थे। अच्छा। हाँ। किस इरादे से? देखिए, रूटीन चेकिंग में जो हमारे सभी थानाध्यक्ष शाम के समय में जनरली अपने क्षेत्र में सघनता के साथ चेकिंग करते हैं, इसी क्रम में आज एसओ दोघट जब चेकिंग कर रहे थे तो बाइक पर सवार दो व्यक्तियों को उन्होंने रोकने का प्रयास किया। ये रोके नहीं और ये अपनी गाड़ी आगे लेकर के भागे। पुलिस ने उनका पीछा किया, उन लोगों ने पुलिस के ऊपर फायर झोंका। पुलिस ने अपने सेल्फ डिफेंस में फायर किया, जिससे ये दोनों जो दो बाइक सवार थे दोनों घायल हो गए हैं। इनको तत्काल हम लोग हॉस्पिटल के लिए लेके गए। पूछताछ से पता चला कि ये दोनों उसी क्षेत्र के रहने वाले हैं और उस क्षेत्र में इनके द्वारा कुछ लूटपाट की घटनाएं की गई हैं। संभवतः आज भी इन लोगों के द्वारा कोई घटना कारित की गई है। इसमें बाकी इनसे पूछताछ की जा रही है और इनके साथ बाकी और जो लोग हैं उनके बारे में भी जानकारी प्राप्त की जा रही है और बाकी जो अग्रिम वैधानिक कार्रवाई हो कर रहे हैं। क्या कुछ इनाम है? अभी इनाम के बारे में हम पता कर रहे हैं, क्योंकि ये अभी कुछ देर पहले की घटना है तो बाकी इनके बारे में पूरी छानबीन कर रहे हैं। अभी जैसा कि हमें बताया गया है कि इसके पास संभवतः अवैध असलहे थे और जो एक बाइक थी वो बाइक भी संभवतः चोरी की है, लेकिन ये सब चीज़ को हम अभी इसका वेरिफिकेशन कर रहे हैं। सत्यापन होने के बाद ही कुछ पहले भी कोई मामला है ये जाँच कर रहे हैं। ठीक है, थैंक यू।